नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल मास्टर स्टडी क्लासेज पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। हमारी जो प्रीवियस क्लास थी वो नंबर सिस्टम की, उसमें शुरुआत हुई थी और हमने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो प्रतियोगी परीक्षाएं जो आगामी आने वाली हैं उनमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं, बने रहना क्लास के अंत तक। आज हम नंबर सिस्टम में कुछ प्रश्नों को लेकर देखेंगे। प्रश्नों में आज जो हम करेंगे वो भागिकी संक्रिया पे आधारित प्रश्न करेंगे, भागिकी संक्रिया से आधारित शेषफल बचना। ठीक है, चलिए हमारा प्रथम प्रश्न जो है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है किसी संख्या को 342 से भाग देने पर शेषफल 47 प्राप्त होता है। 342 से भाग देने पर शेषफल 47 प्राप्त होता है, तो इस संख्या को 18 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा, कितना शेषफल प्राप्त होगा। इन प्रश्नों की पहचान यह होती है कि जो आपका भी आपको मिलेगा, जैसे यहाँ पे 342 भाग देने का है, ठीक है, और 342 से भाग देने के बाद यह 18 से भाग दिलवा रहा है, ठीक है, तो 342 जो है वो 18 का ही एक क्या है, मल्टीपल है, ठीक है, 18 का क्या है, एक गुणज होता है। तो इसमें आपको ये निश्चित रूप से समझ में आ जाना चाहिए कि 342 में 18 का पूर्ण रूप से भाग जाएगा ही जाएगा। अगर 342 में 18 का भाग नहीं जा रहा है, इट मीन्स इस प्रश्न का हल हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो 342 में अगर 18 का भाग जा रहा है तो आप निश्चित रूप से 47 जो पहला वाला शेषफल है उसमें अब वाले आपको जो भाज्य संख्या है उसका ही भाग देके देखना है। जैसे कि इस प्रश्न को हम जो कर रहे हैं, इसका जो हमारा सॉल्यूशन रहेगा वो क्या रहेगा बालकों, हमें क्या करना है, मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा, जो प्राइमरी मेथड है जो हम निश्चित रूप से जूनियर क्लासेज में हमने करते आए हैं वो तो रहेगा। जैसे 342 से भाग देने पर 47 प्राप्त होता है तो उसका तो आंसर रहेगा भाई 342 से आप किसी संख्या को भाग देते हो तो हमें कुछ ना कुछ उसका गुणांक मिलेगा, ठीक है, सॉरी कुछ ना कुछ उसका भागफल मिलेगा, कोशेंट मिलेगा। उसके बाद हमारा रिमाइंडर जो बच रहा है बेटा, रिमाइंडर हमें जो रिमाइंडर मिल रहा है वो शेषफल, वो हमें क्या मिल रहा है, 47 मिल रहा है, ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 47। अब इस प्रश्न को हम क्या करते हैं, 18 इनका एक गुणनखंड होना चाहिए तो हम इसको 18 के गुणज के रूप में तोड़ लेते हैं। जैसे मैं इस प्रश्न को तोड़ रहा हूँ, 342 को मैंने विभाजित कर लिया 18 गुणा 19 क्यू, ठीक है, और इसको भी आप 18 के गुणज के रूप में विभाजित कर लीजिए। जैसे मैंने इसको कर लिया 18 × 36 और शेष कितने बच गए, 11 बच गए। अब मैंने इसमें से 18 को विभाजित कर लिया, अब 18 का इसमें सभी में भाग गया, भाई इस पार्ट में भी 18 का भाग गया, क्लियर हो गया, ये भी इसमें भी 18 गुणज के रूप में है तो 18 का भाग इस पार्ट में भी गया और इस पार्ट में भी 18 का भाग चला गया, तो अंतिम अंक क्या बचा है हमारा, 11 हमारा शेषफल बचेगा, क्या बचेगा हमारा, 11 शेषफल, रिमाइंडर हमारा 11 रहेगा, ठीक है, तो यहीं इसका आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया। अब दूसरा तरीका जो शॉर्टकट तरीका हमारा सीधा मेथड है, भाई मैंने पहले बताया भाई 342 जो वो 18 का एक गुणज है तो इट मीन्स आपको केवल 47 में भाग दे के देखना है, 47 में भाग दे के देखना है, डिवाइड करके देखना है, 18 × 36 और माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 11, जो कि आपका क्या रहेगा, आंसर। तो ये आपका डायरेक्ट मेथड है, ये आपका उसका लॉजिकल मेथड है, क्लियर हुआ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है वह 274 × 318 × 577 × 313 और क्वेश्चन ने जो आस्क किया है वह भी का शेषफल, दैट मीन रिमाइंडर, यूनिट डिजिट, इकाई अंक का, इकाई अंक यूनिट डिजिट बताएं, इकाई अंक बताना है, ये जो मल्टीप्लेक्शन आपको गिवन है इसका आपको इकाई अंक बताना है। तो इसमें ये नहीं है बच्चों, पूरे जितने भी गिवन नंबर्स उनका मल्टीप्लेक्शन आप फाइंड करो पहले और दैट उसके बाद आप डिसाइड करें भाई इसका इकाई अंक क्या होगा। इसके लिए बालकों क्या करेंगे, हम इसके लिए हम जो इसके
इकाई अंक जो भी गिवन है, इसके यूनिट डिजिट जो भी गिवन है, हम केवल और केवल उन्हीं का ही मल्टीप्लेक्शन फाइंड करेंगे, बाकी के जो रिमेनिंग नंबर है उनको छोड़ देंगे। जैसे इसमें है हमारा 274 में ओनली 4 पिक करेंगे, ये हमारा सॉल्यूशन है, इसमें 4 पिक करेंगे। यहाँ पे हमारा 8 है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर है 7 एंड नेक्स्ट वन इज 3, ठीक है। 4, 8 जा हमारा जो आंसर रहेगा 32। इसमें जैसे हमारे पास इकाई का अंक आता है बाकी के नंबर को हम रिजेक्ट कर देंगे। 7, 3 जा हमारा हो जाएगा 21। जैसे हमारा इकाई का अंक आ गया बाकी का नंबर हम यहीं पे नेगलेक्ट कर देंगे, और जो हमारे यहाँ से इकाई के अंक आए हैं 2 × 1 यानी कि हमारा आया है 2, और यह हमारा क्या रहेगा, इस मल्टीप्लेक्शन का यूनिट डिजिट रहेगा। दैट मीन क्लियर हो गया होगा आपको। तो सो आपको क्या करना है, इतना बड़ा कैलकुलेशन करना है या आपको सभी का मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल सा आपको जितने भी आपके पास यूनिट डिजिट हैं, यहाँ पे जितने भी आपके पास इकाई के अंक हैं, इकाई के अंकों को गुणा करेंगे, यूनिट डिजिट्स का मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आपको नंबर मिलता जा रहा है, जो भी नंबर हम गेट कर रहे हैं, उनमें से ओनली यूनिट डिजिट को लेंगे, बाकी को हम रिजेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, और जो भी नंबर रहेगा आगे भी यही फॉर्म हमारी कंटिन्यू रहेगी। दैट मीन क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी में, अगर इसी टाइप से अगर हम क्वेश्चंस को करते हैं तो पावर वाले क्वेश्चन हो रहते हैं हमारे पास, जैसे कि कोई भी नंबर है उसके आपको कोई भी रैंडमली पावर गिवन हो जाए और उसके बाद आपसे आस्क किया जाए कि भाई इसका इकाई का अंक क्या रहेगा, यूनिट डिजिट क्या रहेगी। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, एंड इसकी पावर है आपके पास है 479, और क्वेश्चन आपसे आस्क कर रहा है का इकाई अंक या यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट बताएं, तो इसका हमारा सॉल्यूशन क्या रहेगा। जब कभी भी हमें गिवन पावर्स होती है तो हमें उसमें पता क्या करना है, हमें उसमें 4 का डिवाइड देके चेक करना है, जो भी हमें गिवन पावर है, ये जो आपको पावर गिवन है इसमें 4 का डिवाइड देके चेक करना है कि आपके पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, और जो भी आपका रिमाइंडर रहेगा आपको ओनली 4 इसके यूनिट डिजिट का, उसकी जो भी रिमाइंडर निकल के आया है उसको इस यूनिट डिजिट का क्या डिसाइड कर देना है। हम मैं इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट के ऊपर जो हम पावर लगाएंगे वो लगाएंगे 4 का डिवाइड करने के बाद, 4 का भाग देने के बाद जो शेषफल बना है उस शेषफल को, और इसका जो आंसर आएगा वही हमारा क्या रहेगा, यूनिट डिजिट रहेगा। जैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, 479 है, 479 में बच्चों हम 4 का डिवाइड दे के चेक कर लेंगे पहले कि हमारा जो इकाई का अंक है वो क्या आ रहा है। 4 × 1 = 4, 7, और 4 × 4 = 3, 9, 4 × 9 = 36, रिमाइंडिंग है हमारा बेटा, शेषफल है हमारा 3, ये हमारा रिमाइंडर है, और जो 3 शेषफल आया है उसको आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए 8 या 8 जो आपका है उसके पावर आपको 3 लगा देनी है, उसकी पावर आपको क्या लगा देनी है, 3 लगानी है। तो यानी 8 का स्क्वायर होता है 8 को पावर 3 का, मीन से 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 8 × 8 × 8, 8 जो होता है बेटा 64, 64 को वही सेम तरीका हमारा 6 को नेगलेक्ट कर दें और 8 को आप लेंगे, 4 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 8 = 32 जो हमारा आया है उसमें हम 3 को फिर से रिजेक्ट कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, और इकाई का अंक हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही मैं कुछ और इसमें ऐड कर देता हूँ, जैसे कि कुछ आपके अगर इकाई के अंक आपको इस टाइप के मिल जाते हैं तो आपकी जो पावर है ना
वो चाहे कितनी भी बड़ी आपको गिवन हो, फिर भी आपको सेम एक ही आंसर मिलेगा। जैसे हम डिसाइड कर देते हैं कुछ क्वेश्चंस को पहले, स्थान पे यूनिट प्लेस पे अगर ऑलरेडी ये नंबर आपको गिवन है 1, 4, 5, 6, तो आपकी इन नंबर्स की पावर कुछ भी हो आपकी वैल्यू सेम रहनी है। जैसे अगर 1 की पावर कुछ भी है तो आपका जो इकाई अंक जो मिलेगा वो आपको 1 ही मिलेगा। 4 को हम थोड़ा सा देखते हैं बाद में, पहले मैं 5 का और 6 का बता देता हूँ। 5 की भी अगर आपको यूनिट प्लेस पे अगर 5 मिल रहा है तो चाहे उसकी पावर कुछ भी मिले, आपका फिक्स है पावर कितनी रहनी है, 5 ही रहनी है। और नेक्स्ट वन आता है आपका 6 की भी सेम पावर आपको कुछ भी रहे, आपको एक ही नंबर मिलना है, चाहे 6 की पावर 7 हो, 6 की पावर 8 हो, कुछ भी पावर रहे उसकी पावर वैल्यू एक ही रहनी, वो आपकी रहनी है क्या 6 रहनी है। जैसे मैं आपको एक दो क्वेश्चन देता हूँ, इसमें हमारा एक क्वेश्चन है 36 और इसकी पावर आपने डिसाइड कर दी 49, और आपसे क्वेश्चन ने पूछ लिया का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक बताएं, तो आपका क्या हो जाएगा अगर आपने देख लिया 6 है भाई, 6 है, उसके आगे भी और भी कुछ भी नंबर दे रखा आपको, जैसे 616 दे दिया, उसकी वैल्यू आपको दे दी 104, अब कुछ भी पावर दे रखी हो, यहाँ पे भी 6 डिसाइड हो गया, यहाँ पे भी आपका जो है इकाई अंक है 6 डिसाइड हो गया, तो इनका जो मल्टीप्लाई की जो करने के बाद जो वैल्यू आएगी तो उसका भी इकाई का अंक क्या डिसाइड हो जाएगा, आपका 6 ही इकाई अंक होगा। यूनिट प्लेस पे क्या नंबर रहेगा आपका, 6 ही रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे 4 के बारे में। 4 में अगर जो पावर है आपकी, वो अगर आपको पावर मिल रही है ओड पावर, पावर क्या मिल रही है ओड पावर, जैसे 4 की पावर 1 है, या 4 की पावर क्या है बेटा 3 है, या 4 की पावर इसी टाइप से हमारी हो गई 7। ठीक है, तो इनमें सिंपल है, 4 की पावर अगर आपकी ओड है तो आपकी जो वैल्यू मिलने वाली है वो 4 ही मिलने वाली है। इकाई अंक का जो मिलेगा, इकाई जो अंक मिलेगा हमें, यूनिट डिजिट जो मिलेगी वो हमें क्या मिलना है 4 ही मिलना है। 4 की पावर 3 है, इट मीन्स यहाँ पे भी हमें क्या मिलने वाला है, इकाई अंक 4 ही रहने वाला है। 4 की पावर 7 करोगे तो यहाँ पे भी इकाई का अंक हमें क्या मिलने वाला है, 4 ही रहने वाला है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा अगर पावर ओड है, पावर ओड यानी विषम, विषम है, और अगर इनकी पावर अगर इवन हो जाती है, पावर इवन हो जाती है, पावर इवन हो जाती है तो हमारा जैसे 4 की पावर 2 है, 4 की पावर 4 है, नेक्स्ट मोर, तो इनमें जो वैल्यू हमारी रहने वाली है वो क्या रहेगा, इकाई का अंक हमारा 6 रहने वाला है। इसमें भी इकाई का अंक हमारा क्या रहेगा, 6 इकाई अंक रहेगा। ये आपका प्री डिसाइडेड हो गया है। और देन बाकी जो भी इनके अलावा जो भी आपके अंक बच गए हैं, 0 है तो उनका तो इकाई का अंक 0 रहना ही है, आपको मालूम ही होगा ही। बाकी इनके अलावा जो हमारे अंक बच गए हैं उनमें, उनकी पावर में हम 4 का पहले डिवाइड करेंगे, देन जो भी रिमाइंडर रहने वाला है, रिमाइंडर हमारे 3 ही बचेंगे, 1, 2, 3 3 ही बचेंगे, और उनकी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो क्वेश्चन थे ये इकाई के अंक को लेके डिसाइडेड थे। आप इनको आप अच्छे से पढ़ें, और नेक्स्ट की क्लास में मैं आपके लिए एक 10 क्वेश्चंस की एक क्विज रखने वाला हूं, और हम उस क्विज को अपने इस मास्टर स्टडी क्लासेस के चैनल पे करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो।